हनुवंतिया की वाट लगाता इंदौर खंडवा का बदहाल रोड। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हनुवंतिया मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड है। यहाँ पर विशाल जल सागर और उसकी लहरें किसी भी आने वाले को रोमांचित कर देती हैं। यहाँ पर जल महोत्सव का आयोजन भी हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के इस शानदार पर्यटन स्थल की वाट लगा रहा है इंदौर खंडवा का बदहाल रोड, जहाँ टोल टैक्स समाप्त होने के कारण मुंबई जाने वाले वाहन आ जाते हैं और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब यहाँ जाम नहीं लगा हो। 1 जनवरी को जब नया वर्ष मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग हनुवंतिया पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने वापसी की तो मुंदी से सनावद का रास्ता महज 1 घंटे में पार हो गया। लेकिन चोरल के बाद जाम लगता चला गया और हालत ये हुई कि 5 किलोमीटर से बड़े जाम में हजारों की संख्या में वाहन फंस गए और 4 घंटे तक वाहन रुके रहे। इस वजह से हनुवंतिया में सैर करने गए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और अब तो ये कहा जाने लगा है कि इंदौर खंडवा रोड पर खासकर चोरल तक तो सोच समझ कर ही जाएं और शाम और रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं जाएं। कोई ठिकाना नहीं कब जाम लग जाए। जो लोग रात में 9 बजे इंदौर पहुंच जाते वे पहुंचे रात को 1 और 2 बजे तक। अगर यही स्थिति रही तो हनुमंतिया की लाख प्रसिद्धि के बावजूद यहाँ जाने से लोग कतराएंगे और इंदौर खंडवा का बदहाल रोड हनुमंतिया की वाट लगा देगा। उल्लेखनीय है कि यहाँ पहले टोल टैक्स लगा करता था, लेकिन बाद में टोल टैक्स हटा दिया गया। इसके बाद तो सड़क भी बेहद ख़राब हो गई और AB रोड के भारी वाहन भी उस तरफ का टोल टैक्स बचाने के लिए इधर आने लगे। चोरल के पास भैरव घाट में कभी भी जाम लग जाता है और भारी वाहन फंस जाते हैं। अगर सरकार हनुमंतिया को बड़ा पर्यटन स्थल बनाना चाहती है तो सबसे पहले खंडवा रोड पर ध्यान देना होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।